झटपट चिकन बिरयानी कैसे बनती है बोनलेस चिकन के साथ, वो मैं आपको बनाना आज सिखाऊंगी। चलिए अब आते हैं झटपट चिकन बिरयानी, इसलिए कि चावल भी बॉयल्ड हैं और चिकन भी बोनलेस है, जल्दी हो जाएगी और ब्राउन किए हुए प्याज भी हैं, सो ये झटपट सब कुछ रेडी हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लेंगे थोड़ा सा घी, उसमें हम प्याज डाल देंगे, दो प्याज हैं चॉप किए हुए, ठीक है। इसको मीनवाइल आप पकने के लिए छोड़ दीजिए, टाइम हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है बेकिंग के लिए। यहाँ देखें टाइमर है, कुछ ओवन्स में टाइमर नहीं होता है, तो घड़ी साथ रख लीजिए, अलार्म लगा दीजिए, फ़ोन पे अलार्म्स होते हैं वो लगा दीजिए। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपने ओवर बेक कर दिया, टाइम आपको पता ही नहीं चला कितना टाइम निकल गया, तो फिर वो भी सही नहीं है ना, बेकिंग में टाइम वो करना ज़रूरी है। ये बहुत शोर करेगा, इसको थोड़ा सा धीमा कर देते हैं ताकि ये उबलता रहे। अच्छा, इसके लिए घी ले लें, तेल ले लें, वॉट एवर, देसी रेसिपीज घी में बहुत अच्छी लगती हैं। स्पेशली जब मैं मीठे बनाती हूँ, मिठाई वगैरह, तो उसमें मैं हमेशा घी का इस्तेमाल करती हूँ। अदरक लहसुन डालेंगे, सारे मसाले हैं। अच्छा, ये है रेड चिली का पेस्ट, लाल मिर्चें पीस ली हैं वो जाएगा, और क्या है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, अगर आप ब्राउन प्याज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिरयानी में आप वो भी कर सकते हैं। ये सॉस बहुत पतला नहीं हो, एक कप पानी लेके उसको उबाल के कम करना है हमने, ठीक है, इसलिए मैंने इसको धीमी आंच पे सिमर पे रख लिया है। चलिए ये दूसरी चीज़ें तो यहाँ से हम तब तक हटा लेते हैं, वी डोंट नीड ऑल दिस। ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है, सो व्हाट वी विल डू इज, हमारा पुडिंग बेक हो रहा है, सॉस उसका सिमर हो रहा है, यहाँ प्याज लाल हो रही है, सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। मैंने घी में यहाँ प्याज तल दिया था, अच्छा सा सुनहरा हो जाए, फिर इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा फ्राई करिए, फिर आप इसमें लाल मिर्चों का पेस्ट डालिए, ताज़ी वाली लाल मिर्चें जो होती हैं उसको मैंने पीस लिया था, फिर आप इसमें चिकन शामिल कर दीजिए, आधा किलो बोनलेस पीसेज हैं ताकि चिकन भी इसके साथ साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, सो लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, फिर इसमें जाएगा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और इसमें हम दही शामिल करेंगे। दो चम्मच जितना दही, एंड जस्ट फ्राई दिस अच्छी तरह। चिकन बोनलेस है, बहुत जल्दी बोनलेस के पीसेस हो जाते हैं। मीनवाइल यहाँ सिर्फ जो है ऊपर से डालने के लिए जो चीज़ें हैं असेंबलिंग, ठीक है, बस इसको ज़रा होने दीजिए। बस आई थिंक दिस सिरप इज़ रेडी, इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं जाली पे। यहाँ सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं इसमें, नाओ इसको अच्छी तरह भून लीजिए और ये इसको तैयार कर दीजिए। बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड हमने इसमें टमाटो पेस्ट डाला है, धनिया है, फ्राई प्याज है, पुदीना है। अच्छा, नमक मैंने नहीं डाला ना, तो नमक डालेंगे।
काजू और किशमिश है मेरे पास, वो भी जाएंगे फ्राई करके। बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तब है उसमें ये काजू फ्राई कर लो। किशमिश है, किशमिश धो के इस्तेमाल करिएगा, डंडियां उसकी निकाल दीजिएगा। ओके, सारे अज्जा एक दफा बताती चलूं क्या क्या है। चावल हैं बॉईल किए हुए, ठीक है, चिकन बोनलेस के पीसेस कर दीजिएगा, फ्राई प्याज अगर चॉप करके इस्तेमाल करने हैं तो वो, वरना फिर आप मेरी तरह फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं अलग से फ्राई करके प्याज यहाँ लेके आई हूँ। धनिया पुदीना है, टमाटो पेस्ट है, लाल मिर्चों का पेस्ट है, दही था, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, घी हमने इस्तेमाल किया था। और टॉपिंग के लिए आप थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से भी डाल सकते हैं, काजू है, किशमिश है। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद जरूर थोड़ा सा पानी डालिएगा, देखें चिकन विल बी डन इन नो टाइम। फिर इसका ढक्कन हटा देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वैपरेट हो जाए, और उसके बाद फिर हम उसमें चावलों को हमें लेयर करना है। नट्स जब भी फ्राई करके डालें तो देखिएगा कितना अच्छा उसका टेस्ट आता है, या रोस्ट करके भी। इनफैक्ट बिरयानी में हम इसको घी में फ्राई कर देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ दीजिएगा घी में, वो जल जाएंगे, सो जस्ट टेक देम आउट एज सून एज ये हो जाए, ये निकाल दीजिए। जाएंगे ग्रेवी कम हो ये याद रखिएगा। धनिया पुदीना, फ्राई की हुई प्याज और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा। किशमिश और काजू जो हैं वो फिर ऊपर से, ठीक है। धनिया पुदीना, ब्राउन प्याज, और इसको आप दम पे छोड़ दीजिए, ठीक है जी, डन। बस अब हम क्या करेंगे, जो हमारी